भगा देंगे रिस्पॉन्स में, अभी बोल दिया बाबू तो रिमूव कर देंगे आधा घंटा से खाली चेतन, तुम्हारे लिए एगो बैच नहीं ना चलेगा जी। देखो बाबू अस्टाइल हम लोग क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक बाबू, आपको अभी हमने क्या पढ़ा है एरिया पेरीमीटर पढ़ा दिया, इस बैच में आपको देखो ज्योमेट्री पढ़ा दिया बाबू, एंगल्स बता दिए, लाइंस बता दिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स बता दिया है ना, उसके बाद एरिया पेरीमीटर पढ़ाए, फिर एरिया पढ़ाए, फिर वैल्यूम पढ़ा दिया, थोड़ा सा सर वैल्यूम में रह गया टॉपिक है ना, वैल्यूम रह गया उसको, जैसे स्फीयर का, फ्रस्टम का, कोन का, तो थोड़ा सा उसको बाद में हम पढ़ा देंगे, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाओ है ना। आगे क्या बाबू स्टैटिक्स है, ये बाबू जो चैप्टर है आपको बाबू हर एक क्लास में पढ़ना, फाइव में हो, फाइव में पढ़ना, सिक्स में पढ़ना, सेवनों में, एटों में, नाइनों में, हर एक जगह पढ़ना है ना, तो इसको हम लोग डिटेल से ही पढ़ेंगे है ना। सर, पर ये तो सेकंड से ही आता है, ये सारे टॉपिक्स हाँ सेकंड बाबू से ही आप, पढ़ना होता है। हाँ लोअर क्लास से पढ़ना है, तो हम लोग एकदम LKG से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे है ना, ताकि आप क्लासिफिकेशन दोबारा इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक, देखो स्टैटिक्स है या बाबू डाटा हैंडलिंग, ये डाटा हैंडलिंग होता क्या चीज़ है बाबू, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं डाटा का कलेक्शन करते हैं, मतलब क्या सर, जैसे मान लो आपके क्लास में बाबू 50 को 12 स्टूडेंट है ना, 20 50 स्टूडेंट है, अब कहेंगे बाबू F51 सारे स्टूडेंट का बाबू हाइट निकालो, तो सारे स्टूडेंट का हाइट लिखोगे है ना, मान लो मोहन का हाइट इतना, इसका हाइट इतना, और उसको एक जगह कहीं क्या करोगे रिप्रेजेंट करोगे, तो जो उसका हाइट लिख रहे हो है ना, जो हाइट लिख रहे हो, मान लो किसी का 5 फीट, किसी का 6 फीट, किसी का 3 फीट, 2 फीट है ना, जितना सारा स्टूडेंट है ना, जितना सारा स्टूडेंट है, जितना सारा स्टूडेंट है, उसको क्या करोगे सारे का हाइट लिखोगे सर, है टू ना। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है? ठीक है सर, सारे का क्या करोगे हाइट लिखोगे, ठीक है ना, हाइट लिखोगे, तो ये रेडी जो डाटा लिख रहे हो, इसी ये जो नंबर लिख रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे डेटा कहेंगे ना, डेटा कहेंगे ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो यही क्या हो गया डेटा हो गया, और कुछ नहीं होता, जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे कहीं से उसको हम लोग क्या कहेंगे डेटा कहेंगे। जैसे मान लो आप शहर है ना, आप रहते राजस्थान में, तो राजस्थान में बाबू एक डाटा कलेक्ट करो, डाटा मेरा क्या हो, जैसे मान लो बाबू सबसे है ना, मैंने वह राजस्थान में बाबू वैसे आदमी को कलेक्ट करो जिसकी आमदनी क्या हो 1 लाख रुपया से ज्यादा हो है ना, वैसे आदमी वो जिसकी इनकम क्या हो 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख से क्या हो है ना, वन लाख से अंबानी। क्या, 1 लाख से क्या हो ज्यादा हो, तो 1 लाख से जितना सारे आदमी है उसके, जितने सारे आदमी जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है उसके सारे आदमी का नाम लिखोगे एक जगह है ना, तो जो नाम लिखोगे सारे आदमी का एक जगह वही मेरा क्या कहलाएगा डेटा कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा डेटा कहलाएगा, और कुछ नहीं होता, कोई भी इंफॉर्मेशन बाबू कहीं से कलेक्ट करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं डेटा कहते हैं, तो डेटा क्या हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, मान लो अब किसी कहेगा किसी गांव में बाबू कितना बच्चा है, तो एक लार्ज डेटा हो जाएगा, कहेगा पूरा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो वो सब क्या होगा एक लार्ज डेटा हो जाएगा, तो उसी डाटा को क्या करना, अब आपको एक उसी डाटा को क्या करना स्टडी करना, उसी डाटा के बारे में स्टडी करना है ना बस, और कुछ नहीं होता। जैसे आपके स्कूल में बाबू आपके क्लास में मान लो 50 बच्चा, कहेगा आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे, तो 1000 है ना, आपके स्कूल में बाबू टोटल कितना बच्चा है, तो मान लो 1000 बच्चा है ना, आप कहेगा 1000 बच्चा का बाबू सारे का हाइट क्या करो, ये सारे बच्चा का हाइट ले कलेक्ट करो, तो 1000 स्टूडेंट के पास जाओगे सारे से हाइट पूछोगे, उसके कॉपी पे लिखोगे, तो कॉपी पे जो उसका लिख रहे हो हाइट है ना, जो उसका वैल्यू लिख इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो वही मेरा क्या कहलाता है डाटा कहलाता है, और कुछ नहीं होता डाटा है ना, सिंपल खाली ड्रा दिया गया है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे डाटा कहेंगे है ना। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है सर, किसी का हाइट हो सकता है, किसी का इनकम हो सकता है, किसी विलेज का पॉपुलेशन हो सकता है ना बाबू, कुछ भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन है ना, मान लो 50 को फैमिली है तो उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकता है ना, कि 20 वो फैमिली है उसमें कितना चाइल्ड है ना, सारे के पास कितना चाइल्ड है ना, तो यही सब क्या होता है डाटा होता है ना, डाटा होता है, तो वही लिखा गया कुछ नहीं लिखा, डाटा को हम लोग क्या कहते हैं स्टैटिक्स कहते हैं। यार अब वीडियो ऑन करो, डाटा को हम क्या कहेंगे स्टैटिक्स कहेंगे है ना, तो ये होता क्या चीज है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बाबू दैट डील्स विद द बाबू स्टडी ऑफ डाटा, और ये डेटम क्या बाबू, डेटम मेरा क्या है सिंगुलर है, डेटम मेरा क्या है सिंगुलर है, और इसका प्लुरल करोगे तो क्या निकलेगा डाटा निकलेगा, जैसे एक यहाँ पे क्या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कोई 5 फीट कोई 4 फीट, तो ये क्या होगा डाटा होगा, तो डाटा प्लुरल है इसका सिंगुलर क्या बनेगा डेटम बनेगा, डाटा मेरा प्लुरल है इसका सिंगुलर क्या बनेगा डेटम बनेगा है ना, तो डेटम ऑफ प्लुरल इज डाटा हो गया है ना, तो वही होता है जो इन्फॉर्मेशन मीन्स डाटा मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होता है, कोई भी नंबर ना जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो नंबर के रूप में वही उसका क्या कहलाएगा डाटा कहलाएगा, किसी का आमदनी कलेक्ट करो, किसी का हाइट कलेक्ट करो है ना, कोई कितना देर पढ़ता है वो कलेक्ट करो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे डेटा कहेंगे है ना, डेटा कहेंगे। ठीक नेक्स्ट बाबू, अब ये जो बाबू आपको दिया हो, जैसे
हाइट ऑफ अबाउट 20 स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में वो 20 स्टूडेंट का हाइट, तो मान लो कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 3 फीट का है, कोई 2 फीट का है, कोई 4 फीट का है। तो मेरा हाइट सबसे लंबा। अब शांत रहे, कोई बाबू इतना फीट का, तो ये सब क्या बाबू हाइट है 20 स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करो तो 20 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये टोटल 20 स्टूडेंट का क्या है ना इन्फॉर्मेशन है, किस चीज का इन्फॉर्मेशन है, हाइट के बारे में, 20 स्टूडेंट का क्या है, हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यही आपका क्या बन गया, डाटा बन गया, यही आपका क्या बन गया, डेटा बन गया, डेटा है ना, और उसमें कुछ नहीं ज्यादा करना था, है ना। नेक्स्ट उधर क्या देख रहे हो सलोनी, समझा पढ़ाते हैं, इधर देखती उधर है, जीभ ही काट देंगे, जीभ दबाते ठीक। अब वीडियो का बंद कर लीजिए ठीक है ना बाबू। तो ये क्या बाबू, डेटा, जैसे बाबू मान लो बाबू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिली, 20 मान लो 20 को फैमिली कलेक्ट किया, जैसे आप हो गए, आपके चाचा जी एक फैमिली, चाची जी है ना, आपके मामा जी एक, है ना, 20 को फैमिली कलेक्ट किया। अब 20 फैमिली बाबू क्या कर रहा है ना, किस फैमिली के पास कितना स्टूडेंट बच्चा है, किसी फैमिली के पास एक बच्चा रहता, किसी के पास दो रहता, किसी के पास तीन रहता है ना, है ना। तो ये 20 ये किस किसका डाटा बाबू, और उसमें पूछो, जैसे मान लो बाबू आपका फैमिली है ना, आप एक परिवार हो गए, जैसे आपके परिवार में कौन, पापा जी मम्मी जी आप बाल बच्चे, तो किसी के फैमिली में मान लो एक बच्चा हो सकता, किसी के फैमिली में दो बच्चा हो सकता, किसी के फैमिली में तीन बच्चा हो सकता, किसी के फैमिली में चार बच्चा हो सकता, ऐसा भी हो सकता, किसी की फैमिली में पांच बच्चे भी होते हैं ना बाबू, दो गो भाई हो गया, तीन गो सिस्टर हो गया, या चार गो भाई हो गया है ना, एगो सिस्टर हो गया ना। तो ये क्या बाबू, फैमिली में बाबू नंबर ऑफ चाइल्ड है ना, कितने बच्चे है ना, है ना, बहुत सारे बाबू जी, बहुत सारे फैमिली में बाबू छह छह बच्चे होते हैं ना, छह छह बच्चे होते हैं, सात सात बच्चे होते हैं ना। तो ये क्या बाबू, ये 20 फैमिली के यहाँ से बाबू कलेक्ट किया गया इन्फॉर्मेशन है, जो क्या बताता है, चाइल्ड बताता है, किसी के यहाँ एक एक बच्चा है सर, किसी के यहाँ दो बच्चा है, किसी के यहाँ पांच को बच्चा है, किसी के यहाँ एक बच्चा है, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। कहा झुक रहे बाबू, कछुआ झुकती है जी, कछुआ का नींद आ रहा, कछुआ ऐसे का करती हो, बहुत पिटेंगे। तो जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्या करा पीयूष, है ना, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, और कुछ नहीं है ना। जैसे मान लो बाबू आपको कहेगा डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे आपके बाबू पापा जी बोल दिए जाओ स्कूल में, है ना, आपके प्रिंसिपल बोल दिया स्कूल में जाओ, और बाबू कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसका बाबू 50 से ज्यादा मार्क्स आया, आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल बोल दिया कि अपने क्लास में जा और वह स्टूडेंट का मेरे पास डाटा लेके आ जिसका मार्क्स क्या 50 से ज्यादा मार्क्स है मैथ में, है ना। तो जाओगे सबसे पूछोगे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका मार्क्स क्या होगा 50 से ज्यादा होगा। तो ये जो मार्क्स तो कलेक्ट कर रहे हो क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। जैसे आपको प्रिंसिपल पूछ दे, है ना बाबू, कि अपने क्लास में जाइए और जो जो हल्ला कर रहा है उसको क्या कीजिए, पकड़ के लाइए, तो कुछ कुछ स्टूडेंट को पकड़ के लेके जाओगे, है ना। तो वहाँ पे उस स्टूडेंट का क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, तो ये आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, डाटा, है ना। ठीक ठीक हो, तो यही जो इन्फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। कोई भी चीज रहा मटर, है ना। अब डाटा मेरा दो तरह का होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा का कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, तो दो तरह से करते हैं। पहला जो मेथड है रॉ डाटा, दूसरा एरे डाटा। रॉ डाटा में क्या होता है बाबू, रॉ डाटा में जो डाटा लाया उसको अरेंज नहीं किया, एरे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा कहते हैं, या बाबू क्या कहते हैं, अनक्लासिफाइड डाटा कहते हैं, है ना। अनऑर्गेनाइज अनक्लासिफाइड मतलब जो डाटा लाया, जैसे मान लो बाबू आपके क्लास में है ना 20 स्टूडेंट है बाबू, है ना, और 20 स्टूडेंट का हाइट इस तरह से दिया हुआ, तो ये जो डाटा दिया मान लो कोई 5 फीट, कोई 4 फीट, कोई 3 फीट, कोई 2 फीट, कोई 1 फीट, तो इस तरह से एट रैंडम जो लिख दोगे इसको क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे। और इसी डाटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज डाटा, या उसको एरे डाटा कहेंगे। देखो कुछ नहीं,
रहा डाटा का, इसको कहेंगे सर, तो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए उसको जैसे तैसे लिख दो, कोई सीक्वेंस ऑर्डर है नहीं ना सर, 5 है 6 है 3 है 2 है 4 है 5 है फिर 6 आ गया फिर 3 आ गया फिर 4 आ गया फिर 5 आ गया फिर 4 आ गया फिर 0.5 आ गया 6 आ गया 5, कोई एक डिफिनेट पैटर्न में नहीं ना रेंज है। तो ऐसे अगर इस तरह से डाटा ले और इसी तरह से लिख दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे। ठीक, एरे डाटा किसको कहेंगे सर, अगर इसी डाटा को कैसे लिख दो, अरेंज करके लिख दो एसेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरे डाटा कहेंगे, एरे डाटा ऑर्गेनाइज डाटा है ना। तो रॉ डाटा में जैसे क्या होगा, जो भी डाटा है जैसे मान लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 स्टूडेंट है ना, हम लोग इसी को लेते हैं। रॉ डाटा के एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, कोई भी डाटा बाबू जो ना ही असेंडिंग ऑर्डर में रहे ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयर डाटा कहेंगे ना, रेयर डाटा कहेंगे। ठीक, तो रॉ डाटा के एग्जांपल में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। रेयर डाटा के एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ठीक यही वाला लिखेंगे बाबू, है ना, इसी चीज को लिख लेंगे। नेक्स्ट बाबू, तो इसका एग्जाम्पल लिखो रेयर डाटा का। ये बाबू क्या बोलते बाबू, नहीं राजनंदिनी ने समझ में आता है, भोली शैतान, अब 5-6 दिन का टाइम है आप लोग के पास बाबू, सारा खा खा के अपना दिमाग तेज करो, और जो नहीं तेज होगा उसको फिर से बाबू हम ये शुरू करेंगे बेसिक मार्च के बाबू, होली होली के बाद बाबू, होली के बाद बाबू आप लोग का बैच बाबू क्लास खा पी के मतलब जी बादाम ड्राई फ्रूट्स खा के 8-10 दिन में एकदम तेज बनो सर। अरे शैतान आप तो बोलो मत, ये बकर बकर कर सर, जिसको अच्छे से आ जाएगा वो बैच बी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें बाबू अब आपका बेसिक लगभग हम पढ़ा चुके हैं, जिसका बेसिक कमजोर है उसको दूसरा बैच में करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह है ना बढ़िया से। सर अभी तक रिवीजन में मतलब उसका डिवीजन में भाग गया अलजेब्रा, यस सर अलजेब्रा का डिवीजन, डिवीजन ये रिमाइंडर थ्योरम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन समझने के लिए बाबू आप लोग दिमाग टेस्ट करोगे तब ना लीनियर इक्वेशन समझ में आएगा जी। सर मैं आपको बेस दूंगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर थ्योरम जी, हां यस सर रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट रॉ डाटा किसको कहेंगे सर, रॉ डाटा किसको कहेंगे बाबू, है ना। तो जो डाटा भी लिखे बाबू वही मेरा क्या था, रॉ डाटा जैसे बाबू क्या लिख दे, है ना बाबू, नंबर ऑफ बाबू है ना बाबू चिल्ड्रन बाबू इन 20 फैमिलीज, मतलब जो डाटा कलेक्ट कर, ऐसे था म्यूट करो, इसका एग्जांपल क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ बाबू चिल्ड्रेन इन 20 फैमिली, मान लो 20 गो फैमिली में बाबू नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना। तो अगर डाटा को जैसे कलेक्ट किया उसी तरह से लिख दिया है ना बाबू, ये कौन है जी, यशवंत शैतान में ऑन कर बाबू, है ना, जैसे बाबू क्या था 20 फैमिली में कौन कौन डाटा था बोलो बाबू, राजनंदिनी अभी लिखा है ना बाबू, नहीं जी, एक एक दो, एक एक दो तीन चार, the 3 to 1 1 4, the 5 to 4, 1 5, 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5 1 3 3 1 2 3 2 5। तो ये डाटा जो आप लिख रहे हैं बाबू, ये बी हमारे वो क्या था, 20 वो फैमिली के है, वो नंबर ऑफ बच्चा, मान लो किसी फैमिली के यहाँ एक वो बच्चा, किसी फैमिली के यहाँ एक वो, किसी फैमिली के यहाँ दो वो है ना। तो ये डाटा आपको अरेंज में नहीं ना बाबू, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे, रॉ डाटा। एरे डाटा किसको कहेंगे बाबू, इसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरे डाटा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एरे डाटा या ऑर्गेनाइज डाटा कहेंगे ना। लिखो बाबू इसका एग्जांपल लिखो, सेकंड वन बाबू मेरा क्या, एरे डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या सेकंड कौन है, एरे डाटा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं।
भेंदा बाबू, डाटा बाबू, पुट इन मेंदा डाटा बाबू, पुट इन असेंडिंग सर। हाँ इस बार कुत्ते के आवाज कर रहा था। When the data was put in ascending or descending order? Of magnitude. सर यानी कि सर जो भी सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होगा वो एरे मतलब रॉ डाटा हो जाएगा। हाँ बाबू, जो भी सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होगा उसको रॉ डाटा कहेंगे। आराधना जी वीडियो ऑन करो जी। चेतन दुदू को से कनेक्ट कर लो बोलिए। आज जो सीक्वेंस ऑर्डर ठीक ठीक बोलो। जैसे एग्जांपल बाबू, सर कितना देर तक क्लास है? ये तो कंटिन्यूअस 10 बजे तक है बोला। सर कुछ क्वेश्चन पूछना था। बिना 10 बजे का चारा है नहीं बाबू। 8:20 में ही खत्म होगा, उसके बाद दू आएगा, उसके बाद उधर से 2-3 बच्चा आएगा। कुछ ये डाउट बोला सर? फिजिक्स का 3 क्वेश्चन है। हाँ तो अभी जागेगा ना जी। यस सर। हाँ बाबू जब पढ़ाई करो सर। एंड होगा तो कौन करेगा? अच्छा देखते हैं बाबू। एग्जांपल बाबू, जैसे बाबू नंबर ऑफ बाबू चिल्ड्रेन इन 20 फैमिली, ठीक है। अब 20 फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की संख्या है ना, तो इसी को अरेंज करके लिख दो, है ना। अरेंज करके कैसे लिखेंगे सर? मान लो 1 असेंडिंग ऑर्डर में 1 लिख दो, 1 उसके बाद 2 है, 2 कै गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो। सर हमने गलत किया है, 1 तो 4 बार दिया हुआ है, 1 भी। हाँ 1 4 बार है, ठीक, 2 6 बार है, 2, 4, 6 हो गया। फिर 3 लिख दो, 1, 2, 3 सर। नो सर 4 है। 4 टाइम है? हाँ सर 4 टाइम है। हाँ सर 4 टाइम है। 4 टाइम 3 हो गया। 4 लिखो, 1, 2, 3 सर। 5 लिखो, 1, 2 टाइम सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 5 times है ना, एक छोटा। ठीक सर। सर सर सुरका कर रहे बाबू, ये टोटल क्या हुए सारे किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको 1, 11 लिख दिए गलती से 1 के बाद। ठीक, तो इस ऐसे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे? ये ऑर्गेनाइज डाटा है या बब्बू क्या है? एरे डाटा है ना। ये आपको सारा का सारा क्या असेंडिंग ऑर्डर में। सर तनु गाना गा रही थी।
अगर इसी को असेंडिंग लिखो चाहे डिसेंडिंग लिखो, डिसेंडिंग में लिखोगे तो फाइव फाइव दो गो, फोर फोर तीन गो, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ये सबसे आसान वाला है। सर वन टू थ्री फोर सिक्स, सिक्स होगा ना सर, टू सिक्स टेन, दो चार छो, हाँ ये सिक्स टाइम, यही डाटा को बाबू आपको फाइव टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, सर टू एक्स्ट्रा है सर, टू एक्स्ट्रा है सर, दो दो चार दो छो, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो डाटा को जब तक बाबू हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं। डन सर, लिखिए वो जल्दी से। ये लक्ष्मी बोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू लक्ष्मी? यस सर। इसको मन से पढ़ना बाबू लक्ष्मी, कैसे लोग वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर मन से पढ़ना, बहुत पिटेंगे शैतान से, वीडियो ऑन कर जी, वीडियो नहीं, जल्दी लिखो बाबू। डाटा क्या होता है बाबू, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो कहीं से, है ना, आप स्कूल गए, मान लो आपके प्रिंसिपल बोल दिया कि सारे बच्चे का हाइट को ये इन्फॉर्मेशन कॉपी में लिख के लाओ, तो कॉपी में इन्फॉर्मेशन जो लिख के लेके जाओगे वही आपका क्या होगा, डाटा होगा। अब उसको आपको कैसे कैसे लिखना है, अरेंज करके लिखना है कि जैसे मैंने जैसे तैसे लिख देना, तो जैसे तैसे लिख दोगे तो वो रॉ डाटा होगा, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो उसको एरे डाटा कहेंगे चाहे ऑर्गेनाइज डाटा कहेंगे। नेक्स्ट एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी का, नेक्स्ट एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, जल्दी लिखो बाबू। सर फ्रीक्वेंसी की एवरेज, फ्रीक्वेंसी सर एवरेज फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा, एवरेज अभी नहीं आएगा, एवरेज सबसे लास्ट में, पहले डाटा सीखो। सर मेरे को तो एवरेज आ भी गया। अच्छा ठीक है, बताएंगे एवरेज क्या होता है, पहले मैं ये समझो। सर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वीडियो ऑन करो ना जी, चलो नहीं ऑन करो बाबू, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लिख ली लक्ष्मी? यस। नेक्स्ट बाबू फ्रीक्वेंसी, मन से पढ़ना पियूष। अलजेब्रा पढ़ी थी बाबू राजनंदनी? सर फ्रीक्वेंसी वो ना मैं यस सर, मैं अलजेब्रा पढ़ ली थी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना पढ़ी थी बोली सर? एडिशन शुरू की थी सर, आधा सर 58 क्वेश्चन नंबर से शुरू की थी। चलो फिर से हम लोग शुरू करेंगे बाबू होली के बाद, अभी डिटेल से पढ़ना, उस समय थोड़ा कम पढ़ाए थे। ठीक मन में जा, किस क्लास में जा रही हो राजनंदनी? तो सेवेंथ में सर। सेवेंथ में जा रही हो, उसका तो सिक्स्थ में। सर अब रेंज पढ़ाएंगे? नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू फ्रीक्वेंसी। सर अगस्त्या है। हाँ बाबू अगस्त्या, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई। फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है सर?
तो कोई भी चीज बाबू जितना बार रिपीट हो रहा वही उसकी क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे ना शांत रहो, जैसे ये नंबर ऑफ बाबू दिया हुआ है, नंबर ऑफ बाबू 20 फैमिलीज का नंबर ऑफ ये चाइल्ड की संख्या दिया हुआ, तो कहेगा वह मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ वन कहेगा, मतलब किसका ऐसा कितना फैमिली बाबू जिसके पास एक बच्चा है, तो एक दो तीन चार पांच फैमिली ऐसा जिसके पास एक बच्चा है ना, छह फैमिली ऐसा है जिसके पास कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, चार फैमिली ऐसे हैं जिसके पास तीन बच्चे हैं, तीन फैमिली ऐसा है जिसके पास चार बच्चे हैं, और दो फैमिली ऐसा है जिसके पास क्या है, पांच बच्चे हैं। किसी के पास नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, कोई भी सिमिलर नंबर बाबू जितना बार रिपीट हो रहा वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इस तरह से अगर वो रॉ डाटा दे दिया जाए है ना, और इसका कहेगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव कितना होगा, दो होगा है ना, चार का फ्रीक्वेंसी चार कितना बार आया, तीन बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, तीन होगी। मतलब क्या सर, पहले शांति समझो उसके बाद डिफाइन करेंगे। जैसे इस तरह से आपको एक रैंडम डाटा दे देते हैं है ना, क्या दे देते हो, रैंडम डाटा 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 6 6 6 6 अरे यहाँ पे कहेगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, जैसे आपको कहेगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज बाबू कितना बार रिपीट हो रहा वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू मतलब दो कई बार रिपीट हुआ, एक दो तीन चार पांच बार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कह दे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कह दे, थ्री कह दे, तो थ्री का फ्रीक्वेंसी थ्री कितना बार रिपीट हुआ, एक दो तीन चार पांच बार, तो थ्री का फ्रीक्वेंसी कितना, फाइव। नेक्स्ट बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसी में पूछ दे बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू टू थ्री फोर, फोर का फ्रीक्वेंसी, तो फोर कितना बार रिपीट हो रहा, एक बार दो बार, तो फोर का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दो। मतलब कोई भी नंबर बाबू, कोई भी डाटा जितना बार रिपीट हो रहा वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे पूछ दे बाबू की फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव, फाइव का फ्रीक्वेंसी कितना, तो फाइव कितना बार रिपीट हुआ, एक दो तीन बार, तो फाइव की फ्रीक्वेंसी कितना, थ्री। मतलब फ्रीक्वेंसी होता क्या चीज है बाबू, कोई भी डाटा बाबू कितना बार रिपीट कर रहा है वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी है ना। चेतन शांत रहो बाबू, बहुत बोलता है, दो गो स्टूडेंट भागे, भागा ही नहीं फायदा। सूरत से बोल रहा है, नहीं तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, ऐसे दासवान बहुत हल्ला करता है जी, मानिंग के उस बार फिर भी मेरे ऊपर बोल रहे हैं, बहुत भगा देने सर बाबू, गुस्सा मत भरवाइए। जैसे वो कोई भी चीज वो कितना बार रिपीट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना सर। यहां पे फिर ऐसा दासवान क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कितना, वो वेरीफाई करने के लिए सर उसको ऐड करके देख सकते कि टोटल उतना नंबर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कहेगा तो कितना बार दो रिपीट हो रहा, ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री कहेगा तो कितना बार तीन रिपीट हो रहा, जितना बार रिपीट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और कुछ नहीं होता। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखो द नंबर ऑफ टाइम बाबू, द नंबर ऑफ टाइम द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पार्टिकुलर of a particular term or value, the number of times of a observation of a particular term or value occurs in a data or in a collection of data is called the frequency,
सर हाँ जी, हम क्या फेयर को डेकोरेट भी कर सकते हैं? टाइम वेस्ट मत कीजिए, सुंदर सा खाली फेयर कीजिए, उसमें डेकोरेट और पेंटिंग और डेंटिंग नहीं करना। ऐसा लो नहीं, खाली फाइन का दिखा रहे जी। एक कछुआ समझ में आता है जी? स्वाति तो एकदम, इसको तो भर पेट पिटेंगे। कहाँ, किस क्लास में जा रहे बाबू? सिक्स में बाबू। क्लास बढ़ रहा है तो दिमाग भी बढ़ रहा है कि कछुए बनल रहेगी? तुम्हारा डायरेक्ट एग्जाम हो जाएगा। पढ़ाई कछुआ खाली गप करती है सर, हो गया टाइम।